नाजरी, मैं यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में हूँ। यहाँ पे मैं एज अ टूरिस्ट आई हूँ। कोई 2-3 दिन से मैं डिफरेंट एरियाज़ में घूम चुकी हूँ। मैं कचोरा से, खपुलू से, हर एरिया में गई हूँ बल्तिस्तान। तो मैं आई फ्रॉम मैनी ईयर्स आई एम कमिंग टू बल्तिस्तान एंड आई एम इंजॉइंग द लाइफ एंड आई एम इंजॉइंग द होल ब्यूटी द सैनरी। सो व्हाट शुड आई टेल यू? मैं आपको ये बताऊँगी कि आप पे इस खूबसूरती को आ जाए, ये आप गलियों में चलें। ऑल दो कि हम शिकायत करते हैं कि इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, ऑल दो दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन जब आप एक ऑर्गेनिक लाइफ को गुजारना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। हाँ भाई, आप ज़िंदगी की रोशनियों में हम पता नहीं ख़ुद को खो चुके हैं। तो ये एक लाइफ है, यहाँ पे ज़िंदगी बिल्कुल ठहर जाती है, एक सुकून हो जाता है। आप दुनिया से भले डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले से, कुदरत से आप कनेक्ट हो जाते हो। एक सोलफुल जो है ना, यहाँ पे एक माहौल आपको मिलता है। हर चीज़ में खूबसूरती आप देखिए, दरिया में देखें, पहाड़ देखें, हर जगह बिल्कुल इर्द गिर्द एक दायरे में हम हैं। और मट्टी यहाँ पे खूबसूरत, बच्चे इतने यूनिक जो है ना कल्चर है यहाँ पे, यूनिक लोग हैं, बहुत ही अच्छे और डिसेंट जो है शरीफ लोग हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जब तब होती है जब मुझे पता चलता है कि मुझे बल्तिस्तान जाना है। ऑल दो कि हम पाकिस्तान, तो मैं पूरी पाकिस्तान के तकरीबन सारे प्रोविंसेस में गई हूँ, मैंने काम किया है, मैंने विज़िट किया हुआ है, लेकिन तब मुझे हर जगह जहाँ भी जाऊँ मैं ज़्यादा खुशी नहीं होती जब जितना मुझे बल्तिस्तान माने से होती है। क्योंकि यहाँ के जो है ना माहौल भी खूबसूरत है, लोग भी खूबसूरत है, शरीफ लोग हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। हर कोई अपने काम से काम रखता है, मेहनत करते हैं, तरक्की करते हैं। ऑल दो कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे एजुकेशन की हाई लेवल की वो नहीं है, यहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लेक्स ज़्यादा है, नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, तो इस लिहाज से यहाँ पे गवर्नमेंट को वार फुटिंग्स पे कुछ एक्शंस लेने चाहिए। यहाँ पे हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, और बहुत सारे ऑर्गेनिक जो है ना यहाँ पे ऑर्चर्ड्स बननी चाहिए, आपके एग्रीकल्चर को थोड़ा सा दे। बहुत सारे देखो, पूरी बंजर ज़मीनें हैं, पानी का सिस्टम नहीं, दरिया खाली जा रही है। तो यहाँ पे कोई पंप का सिस्टम हो, कोई इस तरह का जो आप ले लें, निकाल दें, पानी को सैराब कर दें, जितने होटल्स बनेंगे इतने आपको खुराक भी चाहिए, ऑर्गेनिक खुराक मिलेगी, तो दुनिया पूरे उठ के यहाँ आएगी। और गवर्नमेंट के लिए, जीबी के लिए भी एक पोटेंशियल इलाका है कि आप इसको इनरिच करें ताकि पैसा आए, लोग आएंगे तो पैसा आएगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा, घर घर से गुर्बत ख़त्म होगी, इलाके से गुर्बत ख़त्म होगी। तो हम ये कहते हैं कि सोने के कान पे, सोने के जो है ना ख़जाने पे, हम इसके ऊपर बैठे हुए नहीं कि गरीब खुद को कहला रहे हैं। तो इसको हमें एक्सप्लोर करना है, इसको नरिश करना है, इसको इन्हांस करना है, इसको अप टू द अदर लेवल लेके जाएं, ताकि हम और कामयाब हों और खुश रहें और हम जो है ना फलता फूलता पाकिस्तान बने। थैंक यू।